खोलने का जो मजा आ रहा है ना गाइस, जो फील आ रहा है ना, क्या ही बताओ गाइस, क्या ही मस्त दिख रहा है गाइस। ओह शिट। सो नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई गेस आप लोग बढ़िया होंगे। सो आज मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग। तो आप लोगों को थंबनेल देखकर तो पता चल गया होगा कि मैं क्या अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। और मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट किया था भी, उसमें भी कुछ लोगों को पता चल गया था जो उस चीज से रिलेटेड है, तो उनको तो पता चल गया था। और ये जो ऑर्डर है वो कल रात को आया था, बट फिर भी मैंने इसको अनबॉक्सिंग नहीं किया है क्योंकि आप लोगों को दिखाना था और रात को उतना वीडियो क्वालिटी आएगा नहीं, तो मैंने रात को इसको रिकॉर्ड नहीं किया और इसको मैंने खोला भी नहीं। तो अभी दोपहर का 12 बज गया होगा, तो अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ। सो ये रहा मेरा ऑर्डर। मैंने उसको लास्ट मंथ को ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से और ये कल आया था रात को, बट मैंने इसको खुला नहीं क्योंकि आप लोगों को दिखाना है और रात को उतना वीडियो क्वालिटी अच्छी से आएगा नहीं क्योंकि मेरा उतना हाईफाई क्वालिटी का कैमरा नहीं है। और मैंने ये खरीदा है अनबॉक्सिंग के लिए स्पेशली क्योंकि तो ये बहुत बड़ा बॉक्स है, तो इसके लिए ब्लेड से तो खोलना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने ये खरीदा है, 10 रुपये का कुछ लिया होगा, दुकान से खरीदा था। मैंने आप लोगों को दिखाया होगा पिछली वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हो आई लिंक में। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चले अनबॉक्सिंग करते हैं। मुझे नहीं पता गाइस मैं इसको किधर से खोलूंगा। खोलने का जो मजा आ रहा है ना गाइस, जो फील आ रहा है ना, क्या ही बताओ गाइस। क्या ही मस्त दिख रहा है गाइस। ओह शिट। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। 40 kg का पूरा डंबल सेट है ये गाइस। ये आप लोगों को ब्लॉक कर रहा होगा, तो मैंने इसको काट के तो मैंने फेंक दिया गाइस। कोई जरूरत नहीं इसका, जो चीज है वो इधर है, हमको यही दिखना है, हमको वो नहीं देखना। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि मुझे क्या क्या मिला है। 40 kg PVC होम जिम सेट में क्या क्या मिला है, तो आप लोगों को दिखाते हैं गाइस। सो सबसे पहले मुझे ये स्ट्रीट रॉड मिला है। मैंने सोचा था ये हैवी नहीं होगा, बट 6-7 kg का तो ये होगा गाइस। कमेंट में लोग बोलते हैं कि ये इतना अच्छा नहीं है इसका बिल्ड क्वालिटी, बट मेरे को ठीक ठाक लगा गाइस। तो इससे हम लोग बारबेल कर्ल कर सकते हैं। ये है हमारा EZ रॉड। इतना छोटा है, बहुत छोटा है गाइस। ये EZ रॉड है गाइस। कुछ लोगों को यह धनुष जैसा दिखता होगा, और जो राम धनुष है ना उसके जैसा दिखता होगा। जो लोग आर्म रेसलिंग खेलते हैं उनके लिए तो ये जैम है गाइस। और फिर इसके बाद हमको मिला है, इसके साथ हमको ये दो डंबल का जो बार है वो मिला है गाइस, दो हाथ के लिए दो। ये हल्का है गाइस, उतना भारी नहीं है ये। आई थिंक इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक। ए तू किधर जा रहे भाई, इधर ही दे, जाने का नहीं। और ये चीज़ मिला है गाइस, ये पता नहीं क्या है। तो ये पंचिंग बैग है गाइस, इतना खास क्वालिटी नहीं है गाइस, बहुत बेकार क्वालिटी है। अगर आप लोग बहुत प्रोफेशनली बॉक्सिंग करते हो तो आई डोंट थिंक सो ये 1 हफ्ते भी चलेगा। और हमको ये 1 kg का डंबल्स मिला है गाइस, तो ये हमें 2 मिला है गाइस। ठीक ठाक है क्वालिटी, चल जाता है। और मुझे ये क्लिप्स मिला है गाइस जो रोड में लगता है, ताकि हमारा जो प्लेट है वो रोड से ना निकले। सो ये है ये क्लिप्स, क्वालिटी ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से। हमको ये 4 क्लिप्स मिला है जो 2 रॉड के लिए होता है। इसके अंदर भी हमें आई थिंक ग्लव्स भी होगा। इसके साथ हमको एक ग्रिप मिला है जो बहुत बेकार क्वालिटी का है गाइस, उतना प्रेशर फील नहीं होता ये। और एक स्किपिंग रोप मिला है, स्किपिंग रोप का क्वालिटी ठीक ठाक है गाइस। मैंने सोचा नहीं था कि इसका क्वालिटी कुछ ऐसा भी आएगा। और ये ग्लव्स है गाइस, आई थिंक 2 होगा, या 2 ग्लव्स है गाइस जो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है गाइस, बट मैं तो ग्लव्स यूज नहीं करता। अगर आप लोग यूज करते हो तो आप लोग कमेंट में बताओ। और हमको ये मिला है, पता नहीं ये क्या है, इस खोल के देखते हैं गाइस। तो ये हमको एक बैग मिला है गाइस, अगर आप लोग जिम जाते हो तो इसके अंदर में बोतल वोतल जो आपका सामान है वो घुसा के, फिर इसके बाद आप लोग इसको बैग की तरह यूज़ कर सकते हो।
केआरके का ब्रांडिंग है इसमें। और ये हमारा फाइनली प्लेट्स है गाइस। इसमें हमको कितना 12 प्लेट्स है गाइस। इसमें 5 kg है, 3 kg है और 2 kg है गाइस। हाँ 2 kg है गाइस। तो ये 3 kg का खोलते हैं गाइस। अभी हम 5 kg खोलते हैं गाइस। मुझे ये सब मिला है गाइस, ये 40 kg जिम सेट में। और सो ये 2 kg है, मुझे 4 प्लेट्स मिला। सो इसका क्वालिटी ठीक ठाक है गाइस। और ये 3 kg है, इसमें ये भी मेरे को 4 ही मिला है। और इसमें से मेरे को एक अच्छा नहीं लगा और ये थोड़ा सा लाइट वेट भी लगा मेरे को एज कम्पेयर टू इसका बाकी का जो चीज़ें हैं। तो कोई बात नहीं है, मेरे पास 2 3 kg का प्लेट्स है PVC का, बात नहीं। और ये 5 kg है गाइस, होपफुली 5 kg भी मेरे को 4 ही मिला है और चारों की चारों गुड कंडीशन में है गाइस। सो ये PVC प्लेट्स है तो आप लोग समझ जाओ गाइस, 2600 में इतना सब कुछ जो मिला है वो भी बहुत है गाइस। तो 2600 में 40 kg मिलना ही बहुत बड़ी बात होता है। एक्चुअली मैं इसको क्यों खरीदा पता है? नहीं, मैं पहले जिम करता था, आप लोगों को पता है, आप लोग मेरा पहला जो वीडियो देखे उसमें पता चल गया होगा कि मैं जिम करता हूँ। सो क्या हुआ था कि मेरा जो मोबाइल खो गया था तो उसके कारण फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा था तो कि अभी थोड़ा सा जिम क्विट कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए। कुछ दिन बोल के 3 महीना हो गया गाइस, अप्रोक्सीमेटली आप लोग पकड़ सकते हो कि 3 महीने से मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। तो मेरा वेट 65+ था गाइस। तो अभी जो मेरा प्रेजेंट वेट है वो 60-61 ऐसा कुछ है। तो आप लोग समझ सकते हो कितना बॉडी, कितना मसल लॉस हुआ है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आई डोंट वांट टू गो विथ माई स्किनी बॉडी अगेन टू द जिम। सो दैट्स व्हाई मैंने ये ऑर्डर किया है। तो घर में थोड़ा सा ग्राइंड करूंगा, थोड़ा सा वर्कआउट करूंगा, ग्राइंड करूंगा, कम से कम 65 के आसपास जाऊंगा, फिर इसके बाद मैं जिम ज्वाइन करने वाला हूँ। सो इसलिए मैंने ये सब ऑर्डर किया था गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को मैं अपना खुद का वर्कआउट जो मैं करता हूँ, जितना भी मेरे को नॉलेज है वर्कआउट के बारे में, डाइट के बारे में, तो आप लोगों को वो व्लॉग में बताऊंगा। और जो मैं वर्कआउट करता हूँ वो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। सो जो भी मेरा सीनियर्स है मीन्स जिम में अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, तो वो लोग मेरा सीनियर्स है। तो उनसे मैंने जो सीखा है और जो मैंने यूट्यूब से सीखा है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं आज से अपना 60-65 kg का जो जर्नी है वो भी होम वर्कआउट से तो मैं वो स्टार्ट कर दूंगा गाइस। सो अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आप लोगों को ऐसा ही अच्छा अच्छा कंटेंट देता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए